हमारी तरफ से जितने रिलीफ कैंप वगैरह है जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं वहाँ की सरकार जितने हम इजाज़त देंगे जाने के लिए, रुकावट ना पैदा करें तो बेहतर है। हम उसी तरह जाना चाहते हैं। स्थिति को जायजा लेना, हालत क्या है इसके जानकारी लेना, ये हमारा मकसद है। साथ साथ रिपोर्ट भी एक मिनट, साथ साथ वहाँ शांति और सामंजस्य और सौहार्द की वातावरण पैदा हो। आम लोग पीड़ित है, दुखी है, आम लोगों की कष्ट निवारण करने के लिए सरकार पहल करे और साथ साथ सामान्य स्थिति जल्द से जल्द वहाँ बहाल हो, यही हमारा मकसद है। पीड़ितों को देखभाल किया जाए सही ढंग से, साथ साथ पुनर्वास की इंतजाम भी किए जाना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं हमारे, क्योंकि ये सरकार जिस ढंग से ये मणिपुर की मुद्दे को दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ कानून और स्थिति की मसला नहीं है, ये जाति दंगा है। हिंदुस्तान को आम लोग ये समझना चाहिए, ये जाति दंगा आज तक हिंदुस्तान में इस तरीके के नहीं हुई। ये जाति दंगा को मद्देनजर आज हमें सोचना चाहिए। सारे दुनिया में ये मुद्दे चर्चा में आ गए हैं, सिर्फ कानून और स्थिति की बहाना देते हुए ये सरकार मणिपुर की गंभीरता को टालने का कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि मणिपुर की मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे दुनिया में फैल गए हैं, सारे दुनिया में चर्चा की विषय बन चुके हैं। तो इसी के मद्देनज़र जो जो ठोस कदम सरकार की तरफ उठाना चाहिए वो ठोस कदम सरकार उठाए, इसके लिए हम गुहार लगाएंगे। और साथ साथ कल हम वहाँ के गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, हम अपना जो तजुर्बा हुआ हम लोग जो उपलब्धि हमारे होंगे सारे उनको बयान।